ताबीरें मुख्तलिफ हैं, इस कदर जामे और माने मुख्तसर और मुफीद। सुइला सादिक अन तफसीर तक्वा, सादिक आल मोहम्मद से तकवा की तफसीर पूछी गई, फर्जंद पैगंबर तकवा किसे कहते हैं जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और जिसके हामिल लोगों को जन्नत का हकदार बना दिया गया है। फरमाया अल्लाह यफ़्कुदक अल्लाहु हैथु अमरका, जहां जाने का खुदा ने तुझे हुक्म दिया है वहां तू मौजूद हो और जहां जाने से उसने रोका है उधर तू न हो। उसको कहते हैं तो उस जगह नजर आए जहां खुदा ने जाने का हुक्म दिया है और उस जगह तू नजर ना आए जहां जाने से अल्लाह ताला ने तुझे रोका है। जी जिस दस्तरखान पर शराब नोशी होती हो उस दस्तरखान पर बैठ के आप हलवा भी नहीं खा सकते, शरबत भी, मछली का गोश्त, हलाल चीज भी नहीं खा सकते उस दस्तरखान पर की जहां पर शराब, वहां शराब नोशी। बाद रिवायत में अभी पढ़ रहा था वहां नमाज पढ़ेंगे तो नमाज भी बातिल हो जाती है बाद फुकहा के नजदीक। ये ला यफ़्कुदक अल्लाहु हैथु अमरका, जिस जगह मौजूदगी का खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ऐसा ना हो कि तू वहां नजर न आए। वह ला यराका हैथु नहाका, और उस जगह तुझे नहीं होना चाहिए, उन महाफिल में तुझे नहीं होना चाहिए जिन महाफिल में जाने से तुझे रक्स की महाफिल, गिना की महाफिल। और ये जुमला भी अर्ज कर दूं गो तल्ख है, इमाम खुमैनी ने अपनी किताब फिक्ह की मुदल्लल किताब तहरीर वसीले में लिखा है कि किसी मशहूर और मारूफ गाने पर के तर्ज पर कसीदा पढ़ना, कुरान की तिलावत करना या नोहा पढ़ना या नात पढ़ना खुद गुनाह, खुद गाने से ज्यादा गुनाह है, खुद गाने से ज्यादा गुनाह है। वो दो चार साल पहले मेरा एक बच्चा वो जो कभी कभी नात पढ़ता था वो एक नातून का किताब चल आया था, उसमें कोई 15-20 वो नातें थी, हर नात के पहले मिसरे के सामने उस इंडियन गाने का मिसरा भी लिखा हुआ था कि ये उस गाने के तर्ज पर है, ये उस गाने के तर्ज पर है, ये उस गाने के तर्ज पर है। वो उस गाने को मुकम्मल तौर पर कई दफा गाते हैं और फिर उसके बाद इस कसीदे को उसके ऊपर फिट करते हैं, तब जो है ना वो नजर नियाज के वो हकदार बनते हैं। फरमाया गाने की तर्ज पर कुरान की तिलावत, गाने के तर्ज पर कसीदा, गाने के तर्ज पर नात और नोहा का गुनाह खुद गाना से ज्यादा है, इसलिए कि एक जहां तर्ज है वहां आप इस मुकद्दस नाम की और कलाम की तोहीन कर रहे हैं गाने के तर्ज में उसको ढाल के। उन महफिल में हमें नहीं जाना चाहिए, हमको वहां मौजूद नहीं होना चाहिए, हमको वहां हमारी वहां गैर हाजिरी लगनी चाहिए जहां अल्लाह ताला ने जाने से रोका है। और अमीर अल मोमिनीन का एक जुमला है नहजुल बलागे में, फरमाया अला इन्नल खताया खैलुन शुमस हुमिल अलैहा अहलुहा व खुलअत लुजमुहा। बहुत गौर से अपने इमाम अव्वल के कलाम को आपने दिल दिमाग में बिठाना है, आप नहीं बिठाएंगे, आपको नहीं सुनाऊंगा तो ये नहजुल बलागा लेके किन की मस्जिद में जाऊंगा। जी अला इन्नल खताया खैलुन शुमस, देखो ये जो गुनाह है ना सगीरा हो या कबीरा ये एक सरकश सवारी है, सरकश सवारी है, हुमिला अलैहा अहलुहा, और गुनाहगारों को उसके ऊपर सवार किया गया है, खुलअत लिजामुहा, और उनकी बागडोर भी इस बेचारे के हाथ में नहीं है। ये मुतलकुल इनान जिसे कहते हैं उसका बागडोर भी उसके हाथ में नहीं है, जिधर ले जाए उसको जाके फेंक दे। फतक़हमत बिही फिन्नार, क्योंकि बागडोर उसके हाथ में नहीं है लिहाजा सीधा ले जाकर उसको आतिश जहन्नम में ये सवारी फेंक देती है। वह इन तकवा मताया जुलल, और तकवा एक राम सवारी है।
और ताबे फरमान सवारी है, हुमिल अलैहा अहलुहा, इस सवारी पर सवार को बिठा दिया गया है, और वह उतिया अजिमतुहा, और बागडोल भी उसके हाथ में दे दी गई है। फअवरदतहुम अलजन्ना, और ये तकवा सीधा उसको मंजिल मकसूद यानी फिरदौस बरीन में जाके उतारती है। ये तारीफ है, अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान की, सादिक आल मोहम्मद ने बयान की, और अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातु वसलाम ने बयान की। तकवा के फवाइद, उसके असरात और समरात, फरमाया ये भी नहजुल बलागा है, इन तक्वल्लाह दवाउ दाए कुलूबिकुम, तक्वा इलाही ये तुम्हारे दिलों की बीमारियों का इलाज है। वह बसरो आमा अफइदतिकुम, और तुम्हारे दिल के उस अंधेपन के लिए बसारत और बिनाई है। अफइदतिकुम व शफा मरज अजसादिकुम, और यही तकवा इसमें तुम्हारी जिस्मानी बीमारियों का इलाज भी इसी में है। मुझे एहसास हो रहा है ये वजाहत तलब है कि भाई इसका ये कैसा जी अल्लाह दीन का चिराग है कि भाई इससे बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, दिल का अंधेपन भी दूर हो जाता है। जी बहुत सारी बीमारियों की जड़ अफकार हैं, परेशानियां हैं। इसी अमीर अल मोमिनीन ने नहजुल बलागा में फरमाया, अलहम निसफुल हिरम, तुम्हारा जो बुढ़ापा है आधा बुढ़ापा हम गम और परेशानियों की वजह से आता है। आधा बुढ़ापा भूख प्यास की वजह से नहीं, आधा बुढ़ापा हम गम की वजह से आता है, हम गम की वजह से। और खुदा ने खुद फरमाया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि हर एतबार से तुम फारिगुल बाल हो, किसी किस्म की तुम्हें परेशानी ना हो, हर वक्त तुम्हें सुकून नसीब हो, वो सुकून तुम्हें मेरे जिक्र में मिलेगा। ये जिसको सुकून हासिल हो वो परेशान नहीं होता। मैं अभी गाड़ी में आते वक्त अरस्तु का एक जुमला पढ़ रहा था, वो कहता जिंदगी में मैं कभी गमगीन नहीं हुआ, इसलिए कि इस दुनिया की किसी चीज में मैंने जिंदगी में मोहब्बत नहीं की कि जिसको खो देने से मुझे रंज हो। जी वो कहते मैं जिंदगी में कभी गमगीन, मैं कभी रंजीदा नहीं हुआ। रंजीदा हमेशा इंसान किसी वो महबूब चीज की जिसके आप फरेफ्ता हो, दिलदादा हो, उसको खो देने से, हमसर को खो देने से, औलाद को खो देने से, जी दौलत के खो देने से इंसान इस दुनिया में गमगीन होता है। मैंने किसी दुनिया की चीज की कोई मोहब्बत की गुंजाइश अपने दिल दिमाग में नहीं रखी कि जिसके खो देने से मुझे कभी रंज हो। अक्सर बीमारियों का की जड़ और उसका सरचश्मा हम गम है। जो मुत्तकी होता है जी वो उसको परेशानी नहीं होती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जो हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होता है उसका दिल हमेशा मुतमईन होता है, वो कभी भी परेशान नहीं होता। जी वो डिप्रेशन जैसे लाइलाज बीमारियों का वो कभी भी शिकार नहीं होता। शिफा उ मरज अजसादिकुम व सलाह फसाद सुदूरिकुम, और सुदूर सदर सुमराज ये सीना नहीं है, इधर अगर कोई फोड़ा निकल आए या कोई जख्म हो तो उसकी वजह से ठीक हो जाता हो, कहा वो तुम्हारे वो सुदूर यानी दिल दिमाग और अफकार की के जो को बिगाड़ है उसकी इसलाह भी तकवा ही से होती है। वह तहूर धन से अनफुसिकुम, तुम्हारी अरवाह की जो आलूदगियां हैं उनकी पाकीजगी भी इसी तकवा की वजह से होती है। वह जिला गिशा ए अबसारिकुम, और तुम्हारे निगाहों के ऊपर जो पर्दा या वो पर्दा पड़ा हुआ है वो भी उसकी जिला भी तकवा ही से हासिल होती है। वह अमन फजाशिकुम, और तुम्हारे वो मुस्तरिब दिलों का करार भी इसी तकवा के नतीजे में आता है। वह रिया सवाद दुलमतिकुम, और तुम्हारे दिलों के अंदर जो तारीकी है उस तारीकी और स्याही जो है वो भी अगर सफेदी में रोशनी में तब्दील होती है तो उसकी वजह भी तकवा ही है। सबसे मुफस्सल गुफ्तगो जो तकवा